बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे चैनल पर आ रहे हैं और हमारी वीडियोस देख रहे हैं और इनसे इस्तेफादा कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये हमारा एक अच्छा तालीमी सिलसिला चल निकला है जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बहुत से दोस्त मुझे सवालात भी भेजते हैं। इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त, बहुत ही अच्छे होम्योपैथ, समड़ियाल में प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर महबूब इलाही साहब। उन्होंने मुझे एक सवाल भेजा है। एक डॉक्टर राजन संकरन की उन्होंने यूट्यूब से वीडियो देखी है तो उसके हवाले से सवाल है। अस्सलामु अलैकुम, संकरन की ये वीडियो देखी है जिसमें ओवरव्यू का तज़करा किया गया है। इसमें पूरी वीडियो देखने के लिए जो लिंक दिया गया है वो खुल नहीं रहा। इस नामुकम्मल वीडियो में जितनी समझ आ रही है उसकी मुकम्मल तफहीम दरकार है। तो ये पहले मैं उस वीडियो के बारे में बताऊं। ये डॉक्टर राजन संकरन की एक यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने केस के ओवरव्यू का जिक्र किया है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि केस का एक ओवरव्यू होता है, उसको आप बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। इसको उन लोगों ने कई नाम दिए हैं। इसको आप बैकग्राउंड भी कह सकते हैं, इसको ओवरव्यू भी कह सकते हैं, इसको आप केस का जीनियस भी कह सकते हैं। मेरी समझ के मुताबिक मैं इसको आउटलाइन का नाम देता हूँ। एक आउटलाइन होती है केस की, जिस तरह किसी भी पिक्चर की एक आउटलाइन होती है, यानी एक तस्वीर है, हमने ज़राफ़े की ड्राइंग करनी है तो हम उसकी एक आउटलाइन बनाते हैं। तो अब उसके खद्दोखाल, उसकी आँखें, उसका चेहरा, उसके रंग भरे बगैर हमें पता चल जाता है कि दिस इज़ जिराफ, ये ज़राफ़ा है। अब उसकी एज क्या है, बच्चा है, बड़ा है, उसके आगे क्या, उसकी डिटेल्स क्या हैं, वो अगरचे हमें उस आउटलाइन से नहीं पता चलता, लेकिन आउटलाइन से ये ज़रूर हमें पता चल जाता है कि ये ज़राफ़ा है। तो अब इसी तरह शेर है, दरख्त है। अब दरख्त की आउटलाइन एक बनाएं तो हमें कम से कम ये तो पता चल जाता है कि ये दरख्त है, दूर से एक दरख्त का हमें एक फीचर नज़र आता है। अब वो दरख्त किस चीज़ का दरख्त है, वो उसका मतलब है, आगे मज़ीद डिटेल्स क्या हैं, वो डिटेल में जाने से ही पता चलता है। लेकिन हमें ये एक उसका उसके बारे में एक ग्रुप में वो चीज़ शामिल हो जाती है, यानी बाकी सारे ग्रुपों से निकल कर किसी एक बड़े ग्रुप में वो चीज़ शामिल हो जाती है। इसी तरह ये केसेस जो हैं, इनमें एक ऐसा इसकी एक आउटलाइन होती है जिनको डॉक्टर साहब ने बैकग्राउंड या ओवरव्यू या जीनियस का जिक्र किया है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे केस अलामात को एक साइड पर रख दे। तो अलामात को एक साइड पर रखने के साथ एक साइड पर भी रख दें तो फिर भी केस जो है वो एक ख़ास किस्म के ग्रुप में चला जाता है, एक ख़ास किस्म के रेमेडीज़ के ग्रुप में चला जाता है। ये डॉक्टर साहब ने ये अल्फाज भी बोले हैं कि किस टाइप की दवा चाहिए हमें, किस तरह की दवा चाहिए, तो वो एक मखसूस किस्म के दवाओं के ग्रुप में वो केस चला जाता है। तो फिर वहाँ से हमें दवा तलाश करने में आसानी होती है। उसकी तफसील इसी वीडियो में जो डॉक्टर साहब ने दी है, डॉक्टर राजन संकरन ने, वो कहते हैं कि उनके पास एक केस आया, वो उनके पुराने पेशेंट थे, खातून थी, तो वो अपनी उसने काफ़ी सारी सिम्टम बताई, लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो बार बार इसी बात पर जोर दे रहा था कि डॉक्टर साहब इसको कोई ऐसी दवाई दें कि इसको सुकून आ जाए। ये चिल्लाती है, चीखती है, बेचैन होती है, दर्द से ये बहुत मुसीबत में डाल देती है। तो वो कहते हैं कि ये एक ऐसा उस केस का एक बड़ा फीचर था जो फीचर उसको बाकी केसेस से अलग कर रहा था, या उसको एक दवाओं के ख़ास किस्म के ग्रुप में डाल रहा था। तो ये इस तरह की जो चीज़ होती है किसी केस में, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान करना चाहिए और फिर जो दवा हमने तजवीज़ करनी है उसमें वो चीज़ ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। एक तो उससे हम दवाओं के एक ग्रुप में चले जाते हैं, दूसरा अगर हम उस चीज़ को छोड़कर बाकी सारी सिम्टम को जो है न्यूमेरिकली उसको हम रिपर्टराइज करके, मैकेनिकली रिपर्टराइज करके, तो उसमें हम दवा निकाल कर हम ज़्यादा ग्रेड देने वाली दवा को अगर हम वो प्रेस्क्राइब कर देंगे तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि उसका जो उसके जो मेन खद्दोखाल है वो तो दवा कवर कर नहीं रही है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को आउटलाइन की आउटलाइन का नाम देता हूँ कि उससे केस का
एक जो है उसका उसका उसकी शक्ल, उसकी एक साख्त हमारे सामने आ जाती है। तो ये मेरा अपना एक केस है पिछले हफ्ते का, ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, इससे ये पॉइंट कुछ मज़ीद वाज़े हो जाएगा। ये 50 ईयर्स की खातून है और इनकी चीफ कंप्लेंट बुखार है। अब जो दवा इस आउटलाइन को या इस केस के अंदर से जो एक उसका ऐसा फीचर निकला, एक उसकी ऐसी आउटलाइन निकली है जिसको डॉक्टर साहब ने जीनियस कहा है, वो निकला, अगर हम उसकी छोटी छोटी सिम्टम्स को इकट्ठे करके उनको रिपर्टराइज करते तो शायद उसकी दवा कोई और निकलती। यानी सिम्टम को इकट्ठे करना आप ऐसे समझ लें कि जैसे आपने पज़ल सॉल्व करना है, छोटे 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 पीसेस को जोड़कर आपने एक शक्ल बनानी है, लेकिन आउटलाइन वो है कि जो बाहर से उसकी एक बड़ी लाइन है और उस लाइन को देखकर उसकी जो साख्त है चीज़ की वो आपके सामने आ जाती है, जैसे किताब की आउटलाइन है। अब आउटलाइन लगी हुई है तो आपको ये तो कन्फर्म हो गया कि ये किताब है, ये दरख्त या बकरी नहीं है, ठीक है, तो किताब है, लेकिन अब ये किताब का टाइटल क्या है, इसका वो इसका रंग क्या है, बाकी जो सारी इसकी डिटेल्स हैं वो तो उसकी तस्वीर मुकम्मल हो तो तब ही पता चलेगा, लेकिन जब आउटलाइन सामने आए तो ये कन्फर्म है कि ये किताब है। आपने अब किताब से बाहर नहीं जाना, अब किताबों में से आपने ये तलाश करना है कि इसकी हमें किस पर्टिकुलर किताब की, किस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, किस दवा पर हमने पहुंचना है, यानी हम दवाओं के एक बड़े ग्रुप में चले जाएं। ये केस है, चीफ कंप्लेंट इनकी बुखार है, जिस्म में दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं, चला नहीं जाता जब से, अब देखें ये सिम्टम है फीवर, इसको अलग सिम्टम है, जिस्म में बॉडी पेन्स हैं और चला नहीं जाता, मोशन एग्रावेशन ये अलग सिम्टम है। इनके साथ जो उसके साथ जो उसकी खातून आई हुई थी उन्होंने कहा जब से गर्मी आई है तब से तबीयत दोबारा ख़राब है, जबकि उसने ख़ुद कहा कि सर्दी में भी थी मेरी तबीयत ख़राब। दर्दों के बारे में वो कहती है कि जैसे करंट नहीं जिस्म में पड़ता, जैसे पट्टे खींच जाते हैं, साथ बुखार होता है। अब ये अलग अलग सिम्टम्स हैं, कोई चीज़ भी लगे जिस्म पर उठते हुए, चार पाई भी लग जाए तो ऐसे लगता है जैसे ज़ख्म हुआ है, थोड़ी सी ठोकर लग जाए तो ऐसे लगता है जैसे ज़ख्म हुआ है, जिगर बड़ा हुआ है। अब ये एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, ये आप फिर अलग से इसको रिपर्टरी में डाल सकते हैं। जब बुखार हो तो सीने में दर्द होता है, आगे पीछे जो सीने से शुरू होता है और पीछे इस तरह खींच पड़ती है। अब ये चेस्ट पेन है, एक्सटेंडिंग टू बैक है या ड्राइंग पेन्स हैं, ये अलग अलग सिम्टम है। और सर में भी इस तरह दर्द होता है, बाजू में गिलट बने हुए हैं, जैसे वो जगह थोड़ी सी सूज कर और सख्त हो जाती है, जिसको हम पंजाबी में गिलट बोलते हैं, गिलट बने हुए हैं। पाखाना कभी कब्ज़ और कभी दो तीन मर्तबा बैठ जाती हुई, ये भी सिम्टम आप देख दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग विद डायरिया, जब सीने में दर्द होता है तो पीछे भी होता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़े तो सांस भी नहीं आती, जैसे नमोनिया होता है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, सर्दी अब भी लगती है, कल भी बुखार था तो ऊपर कंबल ले लिया, अब आजकल के मौसम में भी उसको बुखार के दौरान सर्दी लगती है और उसने कंबल ले लिया। जब भी बुखार होता है सर्दी लगती है, अब ये चिलीनेस विद फीवर ये भी एक सिम्टम है, ये अलग से ली जा सकती है। पूरी गर्मियां नीचे तुलाई लेकर सोई हूँ, जिस्म को दर्दें होती हैं, पीछे उसने एक जगह पर बताया कि चारपाई टच हो जाए तो उससे भी ऐसे दर्द होता है जैसे ज़ख्म हुआ है। अब यहाँ वो कह रही है कि पूरी गर्मियाँ तुलाई लेकर वो सोती रही है, मोटा बिस्तर लेकर, क्योंकि जिस्म दुखता है, दर्दें होती हैं। अब ये हमारा वो फीचर बन रहा है, ये ओवरव्यू बन रहा है, या ये जीनियस बन रहा है। ज़रा सा हाथ भी लग जाए, कोई चीज़ भी लग जाए तो दर्द होता है, बाजू में गिलट बन जाते हैं। अब अगर हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें जो उसने दो तीन दफ़ा रिपीट की हैं, या जो उसकी चीफ कंप्लेंट है, जो उसकी डिजीज़ है उससे रिलेटेड जो उसकी सिम्टम है, या हम कैंटियन वे से जो सिम्टम लेते हैं, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, पसंद नापसंद, ज़हनी अलामात, वो जो लेते हैं, वो अगर उन डायरेक्ट उन सिम्टम पर चले जाएं, या जो सिम्टम वो खातून ख़ुद बता रही है उन छोटी छोटी सिम्टम को छोड़ दें, और ये जो उसका एक बड़ा फीचर सामने आ रहा है जिससे उस केस की आउटलाइन बन रही है, इसको अगर हम छोड़ देंगे तो हम केस लूज़ कर बैठेंगे।
बाजुओं में गिलट बन जाते हैं, गर्मियों में गर्मी भी ज़्यादा लगती है, प्यास भी लगती है, भूख नहीं लगती। सालन जो भी हो इतना कभी नहीं खाया, नमक मिर्च हमारी हांडी में होता ही नहीं, रोटी दूध वगैरह से खा लेती हूँ, समोसा पिकोड़ा कभी नहीं लिया जब से डॉक्टर ने मना किया है। इसकी कई सारी रूब्रिक्स बन सकती हैं। अब मैंने कहा कि बुखार के दौरान आपकी ज़हनी हालत क्या होती है, तो वो कहती है यही कहती हूँ कि मैंने अब बचना ही नहीं, इतना बुखार है मैंने बचना ही नहीं। अब फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग फीवर, ये भी सिम्टम है, इसको अगर आप रिपर्टरी में डालें। नींद इतनी नहीं आती, बेसकूनी बनी रहती है, दर्दें भी होती हैं। बेसकूनी का क्या मतलब है, दर्दें होती हैं तो बेसकूनी होती है, यानी फिर वो मेन चीज़ उसकी दर्द आ रहे हैं, और दर्द ऐसे हैं, दर्द अब मैंने पूछा कि किस तरह के हैं, वो कहती है कि बस बड़ी दर्दें होती हैं। फिर मैंने पूछा कहाँ होती हैं आपको, पट्टों मतलब है मांस में होती, गोश्त में होती हैं, जोड़ों में होती हैं, हड्डियों में होती हैं, कहाँ होती हैं, तो वो कहती है मांस में भी होती हैं, जोड़ों में भी होती हैं। मांस तो इस तरह है कि हाथ लग जाए तो दर्द होता है, अब ये फिर बात उसने कही, हाथ लग जाए तो दर्द होता है, उठते हुए चारपाई भी लग जाए या बाजू टांग लग जाए तो भी ऐसे लगता है जैसे जख्म है जी। अब मैंने चूंकि उससे दोबारा दर्द के बारे में पूछा तो फिर उसने इसकी वजाहत की, पेशाब 10-10 मरतबा आता है, शुगर कितनी दफ़ा चेक कराई नहीं है, नहाने से बुखार हो जाता है। अब ये भी एक सिम्टम है, बेदिंग एग्रावेशन, सर्दियों में 15-15, 20-20 दिन और गर्मियों में हफ्ते में 2 मरतबा नहाती हूँ, वो भी गर्म पानी के साथ, ये भी बेदिंग ड्रेड, ये भी एक सिम्टम है या एग्रावेशन। सुबह तबीयत ढीली ढाली होती है, जैसे हिम्मत ही नहीं है। अब मैंने दोबारा उससे पूछा कि वो तुलाई वाली बात तो ज़रा मुझे बताएं क्या है, उसने कहा कि सारे जिस्म में दर्दें होती हैं, दुखता है जिस्म, इसलिए वो मैं मोटा बिस्तर लेती हूँ, कभी खांसी भी हो जाती है। कब से तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब 5 साल हुए हैं, ऑपरेशन कराया, ब्लीडिंग ज़्यादा हुई थी, ब्लीडिंग किस तरह की थी ये फिर मैंने उसकी तफसील पूछी, उसकी हिस्टेरेक्टोमी हुई है, यूट्रस वगैरह निकली हुई है 5 साल से, तो वो मैंने पूछा कि ब्लीडिंग किस तरह की होती है, तो वो कहती है कि लाल सुरख और इतने इतने लोथड़े निकलते हैं। अब ये देखिए मैं आपको बिल्कुल साफ बात बताऊं कि मैंने इस केस को रिपर्टराइज किए बगैर उस पेशेंट को आर्निका दी है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह वो जो उनका नेक्स्ट वीक फॉलो अप आया उससे वो बहुत बेहतर हो चुकी थी। अब हम आम तौर पर बुखार के केस में आर्निका के बारे में नहीं सोच सकते हैं, कतन नहीं सोचते हैं, जो रूटीन प्रेस्क्राइबर हैं या की नोट प्रेस्क्राइबर हैं वो तो नहीं सोच सकते। तो जब डिटेल से केस लिया तो अगर उसकी जो सिम्टम थी या जो उसकी चीफ कंप्लेंट थी वो या उसके साथ जो जो उसने डिटेल से सिम्टम बताई, मैं ये श्योर शॉट हूँ कि अगर इन सब चीज़ों को जो मैंने उसका केस का आउटलाइन बताया और जो चीज़ें उसने 1-2 दफ़ा दोहराई तो फिर मैं उनकी डिटेल में जाके, और वो सारे का सारा केस चला ही उस तरफ गया, अगर वो ना ली जाती तो वो केस अगर खाली सिम्टम ली जाती तो वो कोई ना कोई और ही दवाई निकलती। ये वैसे मैं इसका देखूंगा कि अगर इन फीचर्स को छोड़कर सिर्फ सिम्टम्स को रिपर्टराइज करके दवा निकाली जाए तो वो कौन सी निकलेगी, वो डेफिनेटली वो डिफरेंट दवा निकलेगी। तो ये डॉक्टर साहब ने बात समझाई है कि केस के अंदर ऐसा उसका जो एस्पेक्ट हैं उसके केस के, या उसके अंदर एक ऐसी नुमाया चीज़ है जो उस सारे के सारे केस की एक ख़ास शक्ल बना देती है और इसको दवाओं के किसी ख़ास एक ग्रुप में डाल देती है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब की बात अपनी जगह पर बजा है, प्रैक्टिकली इस तरह सारे केसेस में होता नहीं है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर भी, हमें उनको रिपर्टराइजेशन की बुनियाद पर हमें दवा तजवीज़ करनी पड़ती है, यानी टोटल नंबर जो आते हैं, लेकिन वो इतने क्लियर केस नहीं होते हैं, उनमें फिर भी हमें कोई ना कोई शक रह जाता है कि ये टोटल नंबर लेकर जो दवा ऊपर आ रही है, इस दवा के अपने जो मेन फीचर्स हैं क्या वो केस के अंदर मौजूद हैं या नहीं है। तो ये जो डॉक्टर साहब ने ओवरव्यू या बैकग्राउंड या जीनियस के हवाले से जो बात की, उसकी मुझे जो समझ आई है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। रابطے में रहिए, जो चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत महसूस हो
उनके लिए मेरे साथ रابطہ कीजिए ताकि हम इस इल्मी सिलसिले को आगे जारी रख सकें। बहुत शुक्रिया।